आगे बढ़ते हैं। दुर्ग से अगली बड़ी खबर मिल रही है जहां बीजेपी विधायक का निधन हो गया है। वैशाली नगर विधायक विद्या रतन भसीन का निधन हुआ है। जानकारी सामने आ रही दुखद खबर। रामकृष्ण अस्पताल में अंतिम सांस उन्होंने ली। कई दिनों से बीमार चल रहे थे विद्या रतन भसीन। ये भी जानकारी कि बीजेपी के विधायक जिले के इकलौते बीजेपी विधायक भसीन थे। अपूर्णीय क्षति पूरे परिवार के लिए और ये दुखद सूचना कुछ ही देर पहले निकलकर सामने आई है। बीजेपी विधायक का निधन हो गया। वैशाली नगर विधायक विद्या रतन भसीन क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं रहे, रामकृष्ण अस्पताल में इलाजरत थे और ये भी जानकारी थी कि कई दिनों से बीमारी से जूझ रहे थे और इस बीमारी के चलते ही विद्या रतन भसीन जिनका निधन हुआ है। जिले के इकलौते बीजेपी विधायक भसीन थे। जनाधार काफी बड़ा था लेकिन इस बीच ये दुखद सूचना। वैशाली नगर विधायक विद्या रतन भसीन जिन्होंने आज अंतिम सांस ली, लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और इसी बीमारी के चलते उनका आज निधन हो गया है। तो रामकृष्ण अस्पताल में आज अंतिम सांस ली है। कई दिनों से बीमार भी थे विद्या रतन भसीन। जिले के इकलौते बीजेपी विधायक के तौर पर उनका नाम जाना जाता है। रामकृष्ण अस्पताल में काफी दिनों से इलाजरत थे। सहकर्मी मिथिलेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी इस दुखद खबर पर अभी तक? देखिए, अभी अभी कुछ देर पहले ही जानकारी प्राप्त हुई है कि दुर्ग जिले के इकलौते जो बीजेपी के विधायक थे विद्या रतन भसीन, उनका लंबी बीमारी के बाद में निधन हो गया। उनका रायपुर के एक निजी चिकित्सालय में इलाज चल रहा था और आज वो इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। तो आज दुर्ग जिले में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था। एक तरफ कार्यकर्ताओं में उत्साह था तो दूसरी बात, जैसे ही इनका कार्यक्रम खत्म हुआ कुछ देर के बाद में जब ये खबर लगी तो लोग कार्यकर्ता काफी निराश हुए, काफी दुखी हुए हैं और ये दुखद खबर अभी सामने आई है। तो किस कारणों से क्या क्या बीमारियां थी उनका ये बताया जा रहा है कि अनेक तरह की बीमारियां थी, बीपी शुगर के अलावा कई तरह की बीमारियां थी जिससे वे जूझ रहे थे और उनको वेंटिलेटर में रखा गया था। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ था कि वे जब आखिरी आखिरी में ये कहा जा रहा था कि अब वे नहीं बच पाएंगे तब वो सामने आए थे और जीवित निकल कर आए थे और आज जो है लेकिन जिंदगी और मौत की लड़ाई में आज वो जिंदगी हार बैठे हैं, आज उनकी मौत हो गई है। तो बीजेपी में काफी शोक की लहर दौड़ पड़ी है। जी ठीक है, शुक्रिया आपको मिथिलेश जानकारी के लिए।